अलकुम वीरस मेरा नाम अरसलान जाहिद खान है और आज मैं आपसे एक बहुत अहम टॉपिक के ऊपर बात करूँगा वीरस हम देख रहे हैं कि अफ़गानिस्तान में इस टाइम पर बहुत ख़तरनाक सिचुएशन जो है वो हमें देखने को मिल रही है इस पूरी सिचुएशन में जहाँ पर तालिबान ओफेंसिव हम देख रहे हैं पूरी दुनिया देख रही है जबकि अमेरिका अफगानिस्तान से विदड्रॉ कर रहा है और तालिबान बड़े अग्रेसिवली अपनी पॉलिसीज़ को प्रस्यू कर रहे हैं इस पूरे सैनियों के अंदर पाकिस्तान के लिए क्या इंप्लीकेशनस हैं इनको देखना बहुत ज़रूरी है वीरस हम एक बहुत ही ग़लत फ़हमी के अंदर हैं कि शायद तालिबान के अफ़ग़ानिस्तान के अंदर आने से पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म की और एक्सट्रीमिज़म की सूरत हाल बेहतर हो जाएगी क्योंकि पाकिस्तान शुरू से तालिबान को सपोर्ट करता आया है हमारी आ, उनको हर तरह से थ्रू आउट द uh, हिस्ट्री हमने हमारे उनके साथ अच्छे टर्म्स रहे हैं और अब हम समझते हैं कि शायद तालिबान के अफगर्मेंट में आने से पाकिस्तान की सूरत हाल जो है वो बेहतर हो जाएगी तो इसमें हमें चार से पाँच फैक्टर्स देखने हैं कि इस टाइम पर जो अफ़ग़ानिस्तान में सूरत हाल है जहां पर एक सिविल वॉर स्टार्ट हो चुकी है उस पूरे सैनारीो में पाकिस्तान के लिए क्या नेगेटिव किस्म के इम्पैक्ट्स और रेपोकशंस पाकिस्तान को देखने पड़ेंगे तो एक चीज़ तो तय है हम जब हिस्ट्री को देखते हैं अफ़गानिस्तान की तो हमें पता चलता है कि जब जब अफ़गानिस्तान के अंदर बड़ी ताकतें जंगें लड़कर उस टेरिटरी से निकली हैं तो पीछे से एक बड़ी डेडली किस्म की सिविल वॉर स्टार्ट हुई है अफगानिस्तान में जो वहां के लोकल ट्राइब्स हैं उनके दरमियान और उसके रेपोकेशन पाकिस्तान को देखने पड़े हैं हमने देखा कि सोवियत यूनियन से जब अमेरिका और सोवियत सॉरी अफगानिस्तान से सोवियत वॉर के बाद जब अमेरिका और सोवियत यूनियन विड्रॉ कर गए तो उसके बाद एक सिविल वॉर हुई अफगानिस्तान में और उस सिविल वॉर में लोग अपनी जान बचाकर पाकिस्तान के अंदर आए और यूनाइटेड नेशंस के मुताबिक उनके फैक्ट्स एंड फिगर्स के मुताबिक पैंतालीस लाख रिफ्यूजीज़ पाकिस्तान के अंदर आकर बसे और पाकिस्तान के ऊपर एक इकनॉमिक और सिक्योरिटी बर्डन बने आज भी हम देखते हैं अमेरिका इक्कीस साल बीस इक्कीस साल से जो एक जंग लड़ा था अफगानिस्तान में आज अमेरिका उसको ख़त्म करके वापस अफ़गानिस्तान को छोड़कर जा रहा है और वहाँ पर अभी से ही एक सिविल वॉर सनैरियो खड़ा हो गया जहाँ पर तालिबान बड़ा एग्रेसिवली अपने दूसरे जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं उनके खिलाफ उनके खिलाफ लड़े हैं गवर्नमेंट के खिलाफ लड़े हैं और आज ही की खबर है कि तालिबान ने जो एक फॉर्मर वाइस प्रेजिडेंट थे अब्दुलरशीद दोस्तम उनका एरिया भी आज इन्वेड कर लिया है तो इस पूरे सैनारियों के अंदर हम ये देख रहे हैं कि अफगानिस्तान के अंदर दोबारा से वही सिविल वॉर सैनैरियो शुरू हो गया है जो कि नाइनटीन और उससे पहले जब जब जंगें हुई हैं वो तब तब हुआ है अब हम बात करते हैं कि इस पूरे सनेरियो में पाकिस्तान के लिए क्या कंसिक्वेंस पाकिस्तान को देखने पड़ेंगे तो सबसे पहले जी बात करते हैं कि ये इस जंग की वजह से आ, ये जो इस टाइम सिविल वॉर स्टार्ट हुई है और इसमें जहां तालिबान 85 फाइव टू नाइन्टी परसेंट कंट्रोल कर चुके हैं अफ़गानिस्तान की टेरिटरी को इससे एक नैरेटिव बिल्डिंग हो रही है अफगानिस्तान में भी और ख़ास तौर पे पाकिस्तान में भी आप सब लोग देख रहे होंगे कि आज जो सोशल मीडिया है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसके ऊपर तालिबान के इस ऑफेंसिव को बड़ा ग्लोरीफाई किया जा रहा है ये कहा जा रहा है ये नैरेटिव बिल्ड हो रहा है कि जी शायद इस्लाम की जो है यहाँ पर जीत हुई है और एक वेस्टर्न ताकतों की सुपर पार की शिकस्त हुई है मुसलमान जो है उनको ग्लोरिफाई किया जा रहा है जो वॉरियर्स थे तालिबान उनको ग्लोरिफाई किया जा रहा है कि इन्होंने अमेरिका को यहाँ से निकाला है तो इस ग्लोरिफिकेशन के पाकिस्तान की सोसाइटी के लिए बड़े ही नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं जो मीडिया ग्लोरेफिकेशन है इससे जो मजहबी जमातें हैं उनको एम्पीटस मिल रहा है दोबारा से पाकिस्तान के अंदर मजहबी जमातें अपने स्ट्रॉग होल्ड जो है स्ट्रॉग फुट होल्ड उनको मजीद स्ट्रेंथन कर रही और उन मजहबी जमातों की जो नरेटिव है वो अवाम सुन रही है और आवाम के दिलों में उनकी बात बैठ रही है कि आपने जब भी कोई अपनी स्ट्रगल लॉन्च करनी है तो वो एक जहादी स्ट्रगल होनी चाहिए इससे खतरा है कि पाकिस्तान के अंदर जो मजहबी जमाते हैं वो दोबारा से जब भी पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ खड़ी होंगी तो वो वॉलेंट प्रोटेस्ट वगैरह करेंगे हमने भी देखा टीएलपी की एक मिसाल हमारे सामने है कि जब भी कोई ऐसा रिलिजस बेस्ड कोई मसला खड़ा हुआ है तो टीएलपी ने एक बड़ा एग्रेसिव टेंडेंसी शो की है अगेंस्ट द स्टेट इंस्टीट्यूशंस तो ये जो ग्लोरिफिकेशन ऑफ तालिबान है ये जो पाकिस्तान के लोकल मज़हबी जमातें हैं ये उनको बढ़ावा देंगी ये इंस्टिगेट करेंगी और वो अपनी किसी भी किस्म की स्ट्रगल के लिए वॉलेंस क्रिएट करेंगे तो ये पाकिस्तान की इंटरनल डायनामिक्स के लिए एक बहुत बड़ा ख़तरा है इससे भी बड़ा ख़तरा है टी टी पी तहरीक तालिबान पाकिस्तान ये एक ऐसा ग्रुप है जो शुरू से इंटायर पाकिस्तान रहा है जब से अमेरिका का साथ हमने दिया पाकिस्तान में ने इस वॉर ऑन टैर में तो ये ग्रुप पाकिस्तान के खिलाफ टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में 19-20 साल से मुलविस रहा है टीटीपी टी पी का आइडियोलॉजी क्या है टीटीपी दरअसल एक आ, ऐसा ग्रुप है जो अलकायदा से इंस्पायर्ड है और अलकायदा का इनके ऊपर बहुत इन्फ्लुएंस है अलकायदा की आइडियोलॉजी ये है कि हम पूरी दुनिया के अंदर एक खलीफ खिलाफत का निज़ाम नाफिज करना चाहते हैं और एक अरसे तक टी, -टी की भी आइडियोलॉजी यही रही है कि हमने खिलाफत नाफिस करनी है पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान को इन्वेड करना है और पाकिस्तान के अंदर ख़िलाफत नाफिस करनी है। और हम अक्सर देखते हैं कि 2012-13 का जो दौर था इसमें जो टीटीपी है वो ट्राइबल बेल्ट जो फाटा बेल्ट थी उसको इन्वेड कर चुके थे और उसके साथ साथ जो फ्रंटियर रीजनज़ हैं और सवात तक ये आ चुके थे फिर हमारी मिलिट्री ने इनके ख़िलाफ़ ऑपरेशन किया और इनको कंपेल किया और वहाँ से निकाला और ये फिर अफ़गानिस्तान के ईस्टर्न एरियाज़ में जाकर बसे तो इनकी भी आइडियोलॉजी शुरू से रही कि पाकिस्तान के अंदर पूरे मुल्क को पे कब्ज़ा करके खिलाफत नाफिज करना लेकिन अभी रिसेंटली हमें एक शिफ्ट चेंज आता है टैक्टोनिक शिफ्ट नज़र आता है इनकी पॉलिसी में जहां पर इनके लीडर नूर वली महसूद ये नैरेटिव देते हैं कि अब फिलहाल हमारा इरादा पाकिस्तान को इन्वेड करके वहाँ खिलाफत नाफिज करना नहीं है बल्कि हमारा इरादा है एक नई रियासत का क़्याम एक इंडिपेंडेंट स्टेट का क्या अभी रिसेंटली नूर वली महसूद ने अपना एक मैनिफेस्टो दिया जिसका नाम है इनकलाब महसूद उस मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है कि अब हमारा टारगेट है पाकिस्तान के ट्राइबल बेल्ट को आज़ाद करवाना उन्हें इन्वेड करना क्योंकि वो पश्तून बेल्ट है और हम एक पश्तून बेस्ड वहां पर उस बेल्ट को अलहदा करके एक इंडिपेंडेंट रियासत बनाएंगे जहाँ जो टी टी पी चलेगी तो अब हमें नजर आता है कि किस तरह से एक अलकायदा का इन्फ्लुएंस ख़त्म होता जा रहा है और अफ़ग़ान तालिबान का इन्फ्लुएंस हमें टीटीपी के ऊपर नज़र आता है जहां पर टीटीपी टी इंस्पायर्ड है अफ़ग़ान तालिबान से जिन्होंने अफ़ग़ानिस्तान को कॉनकर किया है और एक पश्तून बेस्ड नेशनलिज्म के रेट्रिक यूज़ किया है आज एग्जैक्टली वही बात टी टी पी रही है कि हम पाकिस्तान के ट्राइबल एरियाज़ जो हैं वहाँ ट्राइबल डिस्ट्रिक्स उनको कौन uh, करेंगे इन्वेड करेंगे और इन्वेड करके हम उनको अलहदा करेंगे पाकिस्तान से और वहाँ पर अपनी एक आज़ाद रियासत बनाएंगे पश्तून बेस्ड एक नेशनलिज्म की बात उन्होंने की है ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा ख़तरा है और ये भी ग़लत फहमी पाई जाती है पाकिस्तानी सर्कल के अंदर जो मिलट्री uh, और पोलिटिकल हमारे सर्कल हैं कि शायद हमें अफ़गान तालिबान हमारे जो uh, जिनके साथ अच्छे टर्म्स हैं वो टीटीपी के ख़िलाफ़ कोई एक्टिविटीज़ करेंगे और वो टीटीपी को रोकेंगे कि वो पाकिस्तान के खिलाफ एक्टिविटीज़ ना कर सकें लेकिन ऐसा नहीं है अभी रिसेंटली यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की रिपोर्ट के मुताबिक ये दोनों ग्रुप्स की आपस में एक बड़ी स्ट्रॉग बॉन्डिंग रिसेंटली बन चुकी है और कभी भी अफगान तालिबान पाकिस्तान के एक्सपेंस पे टी टी पी के साथ ताल्लुक़ ख़राब नहीं करेंगे तो ये तो वो दो फैक्टर्स थे जो पाकिस्तान को किसी ना किसी तरह से डिस्टर्ब करेंगे इसके बाद तीसरा फैक्टर है जो नॉन ट्राइबल मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन हैं टी तो ट्राइबल मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है जो पश्तून बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है अब हम बात करते हैं कि व्हाट अबाउट नॉन ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशन जो कि जिनका ताल्लुक ट्राइब से नहीं है जिसमें हम देखते हैं जमात दावा है जैश ए मोहम्मद है आयस आयस है आ, उसके बाद लश्कर जंगवी है ये वो ग्रुप्स हैं इनमें से दो ग्रुप्स तो ऐसे हैं जो प्रो पाकिस्तान हैं वो कभी भी उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ एक्टिविटीज़ नहीं की जिसमें जमात दावा है लश्कर जंगवी है लेकिन हमें रिसेंटली एक प्रेजेंस नजर आती है आईएसआईएस जो सबसे ख़तरनाक ग्रुप है उसकी पाकिस्तान में तो टी के साथ साथ जहां पर टी अपना एक ऑफेंसिव पाकिस्तान में दिखा रही है और वहीं पर ये नॉन ट्राइब ग्रुप्स भी जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ एक अपनी मुस्तकम स्ट्रगल जो है वो जारी जारी रखेंगे हम देखते हैं कि पाकिस्तान ने जो प्रो पाकिस्तान मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन मिलिटेंट ऑर्गनाइजेशन थी जैश मोहम्मद जमात उद्दावा इनको बैन किया हुआ है इनकी जो यूथ है आप इसी तरह से समझ लें कि इनके पास कोई ऐसी जहादी एक्टिविटीज़ मौजूद नहीं है या आजकल बिल्कुल फारग हैं ये डिस एलुजेंड जो है वो होकर फिर रहे हैं तो इनके लिए एक बहुत मोटिवेशन होगी कि, कि किसी ऐसे ग्रुप को ज्वाइन करना नॉन ट्राइबल ग्रुप को ज्वाइन करना जो जहादी मोमेंट अपनी लॉन्च कर रहा है और आई से तो आप बखूबी वाकिफ़ हैं कि आई की आइडियोलॉजी पूरी दुनिया के अंदर बड़ी तेज़ी से फैली है यूरोप से अमेरिका से और मुख्त्य मालिक से लोगों ने उनकी उस आइडियलॉजी को प्रस्यू करते हुए उससे कन्विंस होते हुए उनको ज्वाइन किया है तो ये भी एक बहुत बड़ा ख़तरा है कि आपकी जो डिस एलिट यूथ जो मदारस में बैठी हुई है जो बैंड हैं जिनकी लीडरशिप बैंड है इनका टिल्ट जो है वो आई एस आई एस की तरफ बढ़ेगा और आईएसआईएस की तरफ़ नहीं भी बढ़ता तो ये अपनी छोटी छोटी इंडिपेंडेंट जमातें बना सकते हैं जिससे पाकिस्तान की सालमियत को जो है वो बहुत बड़ा ख़तरा होगा इसके साथ साथ हम बात करते हैं कि अफ़ग़ानिस्तान के अंदर जो इस टाइम पर मसाइल चल रहे हैं उससे पाकिस्तान के अंदर एक रफ़्यूजी क्राइसिस आने का भी बहुत बड़ा ख़तरा है रेफ्यूजी क्राइसिस की अगर हम बात करें तो जैसा कि अभी भी मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान में 45 लाख रफ्यूजीज़ आए थे और आज भी 15 लाख रफ्यूजीज़ पाकिस्तान में बसते हैं जिसमें से सिर्फ पाँच लाख रेफ्यूज़ कराची के अंदर जो है वो बेस्ड हैं तो अभी बहुत तेज़ी से अफ़गानिस्तान के अंदर लोगों ने पाकिस्तान की तरफ रुख करना शुरू कर दिया है और पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा इकनॉमिक और सिक्योरिटी बर्डन जो है वो रेफ्यूजी क्राइसिस की सूरत में जो है वो एक खड़ा है जिससे पाकिस्तान को जो है वो निमटना होगा अब बात करते हैं कि ये जो सूरत हाल है ये पाकिस्तान की सालमियत और सिक्योरिटी के लिए तो बहुत ख़तरनाक है इस पूरे सनेरीओ में पाकिस्तान को क्या करना चाहिए देखें जी पाकिस्तान के पास इस टाइम पर दो से तीन ऐसे फैक्टर्स हैं जो पाकिस्तान को हेल्प आउट कर सकते हैं इस चीज़ को मिटिगेट करने में इसको रोका तो नहीं जा सकता इन द शॉर्ट रन एक तो हमें लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ बनानी होंगी इनको रोकने के लिए शॉर्ट टर्म नहीं इनको रोका जा सका सकता लेकिन इनको मिटिगेट ज़रूर किया जा सकता है तो सबसे पहले तो जी नेशनल एक्शन प्लान हमारे पास एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का प्लान मौजूद है जो कि 2015 में बनाया गया था पेशावर एपीएस अटैक के uh, के उसके आउटकम में नेशनल एक्शन प्लान को मजीद कंप्रिहेंसिव बनाने की ज़रूरत है इस टाइम उसमें ट्वेंटी पॉइंट्स हैं जिसमें मेजर पॉइंट्स ये हैं कि जी आप फाटा को मर्ज करें वो आपने कर दिया मदारस में रिफॉर्म्स लेकर आएँ वो भी आपने कर दी मदारस को रेगुलेट करें वो भी आपने कर दिया मिलिटेंट ऑर्गनाइजेशन को बैन करें वो भी कर दिया कैपेसिटी बिल्डिंग करें स्टेट इंस्टीट्यूशन की वो भी कर दी लेकिन अब आपको मज़ीद इसमें चेंजेस करने की और इसको एक्सपेंड करने की ज़रूरत है जो इस टाइम कंटम्प्रेरी इश्यूज आपको होने जा रहे हैं और फ्यूचर के अंदर जो आपके मसाइल खड़े होने जा रहे हैं उनको कोप अप करने के लिए आपको नेशनल एक्शन प्लान को एक्सपेंड करना होगा उसके अंदर मज़ीद एवन्यूज़ को देखना होगा किस तरह से हम अपनी कानेटिक और नॉन कानेटिक जो है वो कैपेसिटी बिल्डिंग कर सकते हैं अपने रियासती इदारों की और हम किसी न किसी तरह से नरेटिव बिल्डिंग कर सकें नेशनल एक्शन प्लान के साथ साथ 2018 के अंदर पाकिस्तान ने एक इनिशिएटिव लिया था जिसका नाम था पैगाम पाकिस्तान जिसमें हजारों उलमाज ने मुख्तफ़ सेक्टर्स उलमाज जो थे उन्होंने पाकिस्तान मुखालिफ जितनी भी एक्टिविटीज़ थी पाकिस्तानी रियासत के मुखालिफ उनको टेररिज्म डिक्लेयर किया था तो पहली दफ़ा ऐसे हुआ था पाकिस्तान के अंदर टेर्रिज़म का काउंटर का नरेटिव जनरेट किया गया था तो ये एक बहुत बड़ा इनिशियटिव था पगाम पाकिस्तान को पूरे पाकिस्तान में ख़ास तौर पर ट्राइबल बेल्ट तक पहुँचाने की ज़रूरत है वो जो टेररिस्ट अपना जो टेररिस्ट एलिमेंट्स अपनी नैरेटिव बिल्डिंग करते हैं अपनी जो उनकी आइडियोलॉजी है वो लोगों के दिमागों में इन्फिल्ट्रेट करते हैं हमें उसकी काउंटर आइडियालॉजी दो लोगों के दिमागों में इन्फिल्ट्रेट करनी है लोगों को देनी है एक चीज़ तो तय है कि कभी भी हम कानटिक मीन्स के थ्रू टेरिज्म को ख़त्म नहीं कर सकते कानीटिक मीन्स जो मिलिट्री ऑपरेशन हैं मिलिट्री ऑपरेशन से आप 95 परसेंट भी अगर आप सफाया करते हैं टेररिज्म का तो बाकी जो 5 परसेंट जो उन लोगों के दिमागों में आइडियोलॉजी है वो फिर मल्टीप्लाई होती होती 100 परसेंट हो जाएगी तो आपको यहाँ पर एक काउंटर नैरेटिव जनरेट करने की एक स्ट्रॉन्ग नैरेटिव जनरेट करने की ज़रूरत है जो कि लोग जिससे कन्विंस हों और वो इनकी तरफ जो है वो मायल ना हो इसके बाद सबसे अहम चीज़ और आखिरी चीज़ ये कि पाकिस्तान की जो लेजिस्लेशन है आ, पाकिस्तान के जो नेशनल असम्बली है वहाँ पर कानून साजियाँ की जाए वा ये एक ऐसा फोरम है जहाँ पर आप पूरी कौम को इकट्ठा कर सकते हैं जहाँ पर आप लोगों को कन्विंस कर सकते हैं कि आप उनकी बॉन्डिंग उनकी लॉयल्टी गवर्नमेंट के साथ रहे ऐसी कानून साजियाँ की जाएँ जहाँ पर इंक्लूसिव पॉलिसीज़ बनाई जाएँ जहाँ पर आप बड़े तबके को सपोर्ट करें बड़े तबके को फैसिलिटेट करें लोगों के ग्रवियंसिस को ड्रेस करें अदरवाइज लोग इन फॉरन जो एलिमेंट्स हैं इनके हाथों आपके मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल आपके अपने मुल्क के खिलाफ आपके अपने लोग इस्तेमाल होते जाएंगे तो इन इनिशिएटिव्स पे पाकिस्तान को इस टाइम पर जल्द से जल्द काम करने की ज़रूरत है जो अफगानिस्तान के अंदर एक इस टाइम पर सूरत हाल है बड़ी संगीन है अगर हमने टाइमली मयर्स ना लिए तो खुदा खास्ता पाकिस्तान के लिए फिर से एक दफ़ा वही सिचुएशन सनारी खड़ा होगा जो कि 2008-9 से लेकर 2013 तक सनेारीो था जहां हर शहर में धमाके होते थे और पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज़ पाकिस्तान के मासूम लोग जो है वो शहीद होते थे तो पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी डायलमा खड़ा हो गया था तो अगर हम टाइमली मयस लेंगे तो हम इस चीज़ से निकल सकते हैं बहुत शुक्रिया